क्लास मैथ्स। तो देखो, चैप्टर 5 डिफरेंशिएशन और कंटिन्यूटी। इस चैप्टर के अंदर अब तक हमने कंटिन्यूटी का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब हमें ये पूरी तरह से समझ में आ गया है कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस होता है और कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता, और कंटिन्यूटी कैसे चेक की जाती है लिमिट्स को फाइंड आउट करके। तो देखो, इस चैप्टर का एक पार्ट बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब कहीं पर भी कंटिन्यूटी नहीं आएगी। अब इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 6 के लिए। डिफरेंशिएशन इम्पोर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 7 के लिए, और डिफरेंशिएशन इम्पोर्टेंट है चैप्टर 8 के लिए, और डिफरेंशिएशन इम्पोर्टेंट है चैप्टर 9 के लिए। तो यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ट्रिग्नोमेट्री। डिफरेंशिएशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ट्रिग्नोमेट्री। तो अल्टीमेटली हमें किस पर डिपेंड रहना है? ट्रिग्नोमेट्री पर। अगर बिना ट्रिग्नोमेट्री के तुम सोच रहे हो मैं डिफरेंशिएशन कर पाऊंगा, मैं लिमिटेशंस कर पाऊंगा, इंटीग्रेशन कर पाऊंगा, कैलकुलस हो पाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है बिना ट्रिग्नोमेट्री के। इसलिए हमने ट्रिग्नोमेट्री पर पहले ही काफी बढ़िया काम करा है। मैं ये बात मानकर चलूंगा कि तुम लोगों को सारे फॉर्मूले बहुत अच्छे से आते हैं, ये बात मैं एज्यूम करके चलूंगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें आने भी चाहिए। ठीक है, तो देखो, डिफरेंशिएशन के अंदर एक्सरसाइजेस मिलेंगी, अलग अलग एक्सरसाइज। हर एक एक्सरसाइज के अंदर अपना एक सेपरेट टॉपिक होगा। 11th क्लास के अंदर मैं बच्चों को बताता नहीं हूं कि डिफरेंशिएशन को करने का एक तरीका होता है जिसका नाम होता है चेन रूल। कौन सा रूल होता है? चेन रूल। चेन रूल कराने का सभी टीचरों का अपना एक तरीका होता है। ज्यादातर टीचर जैसा तरीका किताब के अंदर बताया गया है उसको फॉलो करते हैं, और वो बहुत ही लेंथी मेथड होता है मेरे हिसाब से और तुम्हारे हिसाब से भी। हम चेन रूल करेंगे तो सही, और किताब के तरीके से ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकली कैसे वो भी पता चल जाएगा। पहले मैं चेन रूल बताने से पहले तो मैं छोटी मोटी बेसिक बातें बताता हूँ। चेन रूल मैं पढ़ाऊंगा। आज के डिफरेंशिएशन में सबसे ज्यादा बेसिक रूल चेन रूल ही होता है। किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी लग जाता है चेन रूल। बिना चेन रूल के तुम डिफरेंशिएशन अगर करने की सोच रहे हो तो फिर वो सपनों की बातें हैं, सपनों में ही हो पाएगा, रियल में नहीं हो पाएगा। बिना चेन रूल के डेरिवेटिव और बिना ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए जरूरत है कि हम क्या सीखे? चेन रूल। तो चेन रूल सीखने से पहले मैं तुम्हें कुछ चीजें बताता हूँ। बोर्ड पे देखो अब जरा, तुम्हें बेसिक पता हुआ होना चाहिए जो 11th क्लास के अंदर सीखा है, और अगर नहीं भी सीखा तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ना नालायकों के लिए। समझते हो ना नालायक? तो देखो, सपोज तुम्हारे पास x की पावर 10 है, x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 5 है, और x की पावर 15 प्लस x की पावर 9 है। मैंने तुम्हारे सामने तीन फंक्शन लिखे हैं, कोई सा छोटा है तो कोई सा थोड़ा सा बड़ा है, वैसे इतना बड़ा भी नहीं है। अब तुम्हें डेरिवेटिव करना है। क्या निकालना है? डेरिवेटिव निकालना है। देखो, डेरिवेटिव निकालना बोले, डिफरेंशिएशन बोले, ठीक है, एक ही बात है। क्वेश्चन अगर कह देता है डिफरेंशिएशन करो, क्वेश्चन कह देता है डेरिवेटिव निकालो, तो एक ही बात होती है। इन सब का मतलब एक ही होता है। अब देखते हैं कैसे। देखो, डेरिवेटिव जनरली किसी की रिस्पेक्ट में किया जाता है। जब भी हम किसी का भी डेरिवेटिव करते हैं ना, तो किसी की रिस्पेक्ट में करते हैं, और ज्यादातर हम किसकी रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं? एक्स की रिस्पेक्ट में। ये बात दिमाग में बिठा लो, ज्यादातर हम डेरिवेटिव किसकी रिस्पेक्ट में करते हैं? विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब बोर्ड पे देखो, सपोज तुमने इसको क्या मान रखा है? फंक्शन वाई। तुमने इसको भी क्या मान रखा है? फंक्शन वाई। और इसको भी क्या मान रखा है? फंक्शन एफ एक्स। समझ रहे हो ना? तुम फंक्शन को वाई भी मान सकते हो, तुम फंक्शन को एफ एक्स भी मान सकते हो, तुम फंक्शन को कुछ भी मान सकते हो अगर क्वेश्चन ने नहीं माना है तो। अगर क्वेश्चन ने एफ एक्स मान लिया तो तुम्हें एफ एक्स ही करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन ने वाई मान लिया तब तो तुम्हें वाई मान कर ही करना पड़ेगा। और अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया तो तुम्हारे ऊपर है, तुम उसको क्या मानते हो? वाई मानते हो,
या एफ एक्स मानते हो। अब देखो डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करना बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा तुम्हें पसंद आएगा, इतना ज्यादा आसान है मैं बता नहीं सकता शब्दों में, मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। देखो जब भी डेरिवेटिव करते हैं ना, तो डेरिवेटिव करने से पहले एक छोटी सी लाइन लिखी जाती है, कुछ भी नोट नहीं करना है, पहले समझना है। डेरिवेटिव करने से पहले एक छोटी सी लाइन लिखी जाती है, देखो क्या लिखते हैं, डी आई डबल एफ। डी आई डबल एफ का मतलब होता है डिफरेंशिएट, मतलब मैं क्या करने वाला हूं, डिफरेंशिएशन करने वाला हूं, मतलब मैं डिफरेंशिएट करने वाला हूं। तो देखो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैंने क्या लिख दिया, डब्ल्यू आर टी एक्स। डब्ल्यू का मतलब होता है विद, और आर का मतलब होता है रिस्पेक्ट, और टी का मतलब होता है टू, और एक्स का मतलब तो एक्स ही होता है। मतलब मैं डेरिवेटिव करने वाला हूं, और किसके रिस्पेक्ट में करने वाला हूं, टेन की रिस्पेक्ट में। डेरिवेटिव करने वाला हूं और किसके रिस्पेक्ट में करने वाला हूं, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब देखो बोर्ड पे वाई का डेरिवेटिव करोगे ना, देखो जिसका करते हैं वो आता है ऊपर डी वाई, जिसका डेरिवेटिव करते हैं वो आता है ऊपर डी वाई, और जिसकी रिस्पेक्ट में करते हैं, जैसे कि तुम किसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हो, एक्स की रिस्पेक्ट में, है ना, तो वो आता है नीचे। बोर्ड पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, वाई का कर रहे थे तो डी वाई, किसकी रिस्पेक्ट में कर रहे थे, डी एक्स, समझ रहे हो ना। अब मुझे इसका मतलब बताओगे जरा, डी के अपॉन में डी पी, लिखना कुछ नहीं है, केवल बोर्ड पे देखना है। देखो डी के का मतलब है किसका डेरिवेटिव कर रहे हो, के का, और डी पी का मतलब है किसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हो, पी की। देखो क्या पढ़ेंगे इसको, डिफरेंशिएट ऑफ के विद रिस्पेक्ट टू पी। डिफरेंशिएट ऑफ के विद रिस्पेक्ट टू पी मतलब जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो तो आता है नीचे, और जिसका करते हैं वो आता है ऊपर। अब करते हैं डेरिवेटिव, देखो बोर्ड पे डेरिवेटिव करना कितना आसान है, तुम्हें मजा आएगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, डेरिवेटिव करना बहुत ज्यादा आसान है। बोर्ड पे देखो मुझे बताओ पावर कितनी है, 10 ना, जल्दी से देखकर बताओ पावर कितनी है, 10। जो भी पावर होती है ना उसे आगे लिख देते हैं, लिख दिया, ध्यान से सुनो, तुमने 11th के अंदर बेसिक पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, मैं हमेशा जब भी किसी भी लेवल के बच्चे को, चाहे वो कितना भी होशियार हो, चाहे वो कितना भी वीक हो, मैं जब भी 12th क्लास के अंदर डिफरेंशिएशन पढ़ाता हूँ तो मैं शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करता हूँ, ताकि हर लेवल का बच्चा एंजॉय कर पाए इस चैप्टर को, मतलब कि समझ पाए। तो तुमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, 11th में आता था या नहीं आता था, सारी बातें भूल जाओ, आता था तो भी भूल जाओ, नहीं आता था तो भी भूल जाओ, तब तो भूल ही नहीं पाओगे, आता ही नहीं था। 10 तुमने क्या कर दिया, आगे कर दिया, ठीक है, जो भी पावर होगी उसको क्या कर देते हैं, आगे, और ऊपर पावर में से एक कम कर दें। बताओ ऊपर 10 था, एक कम करने की कह रहा हूं, एक कम, बताओ 10 में से एक कम हो गया, कितने रह गए, 9, डेरिवेटिव हो गया, डेरिवेटिव हो चुका है, डेरिवेटिव इज फिनिश इस क्वेश्चन के अंदर। कोई बात नहीं, क्यों टेंशन ले रहे हो, जरा अगला पार्ट देखो, देखो इधर बोर्ड पे ऊपर वाला, इधर देखो फिर से देखो, अब मैं ये लाइन दोबारा नहीं लिख रहा, ध्यान रखना हर बार लिखेंगे जब क्वेश्चन करेंगे, अभी नहीं लिख रहा, अभी तो समझा रहा हूं। देखो वाई का कर रहे हैं डी वाई, और किसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स की रिस्पेक्ट में, डी एक्स, समझ में आ रही है ना बात, जिसका करते हैं वो तो आता है ऊपर डी वाई, और जिसकी रिस्पेक्ट में करते हैं वो आता है नीचे डी एक्स। अब जरा देखो डेरिवेटिव करना है, मैंने बताया था पावर आगे आ जाती है, पावर आगे आ जाती है, अब देखो कैसे आएगी आगे, 3 है ना पावर, आगे आ गई, ऊपर से कितने कम हो जाएंगे, एक कम, मुझे बताओ 3 में से एक कम हो गई, पावर कितनी पावर रह गई, 2। किसी बच्चे को माइनस करने में मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए 12th क्लास के अंदर। तुमने क्या करा, पावर आगे कर दी 3, और ऊपर क्या कर दिया, एक कम कर दिया। अब जरा आगे बढ़ो, और भी तो है ये, इस फंक्शन में और भी बाकी है ना, अब जरा आगे देखो, मुझे बताओ 5 आगे आ जाएगा, 2 पहले से ही था, 5 और आ गया, 5 दूनी 10, ध्यान से देखो बोर्ड पे, ऊपर वाली पावर को आगे लिखूंगा ना, जैसे तुम 5 आगे लिखोगे तो आगे 2 पहले से ही है,
तो 5 दूनी कितने हो जाएंगे, 10। कोई दिक्कत तो नहीं अगर मैंने डायरेक्ट लिख दिया तो? देखो बोर्ड पे, 5 तुमने आगे लिखा और 5 दूनी हो गए 10। ऊपर पावर एक कम करनी है, बताओ ऊपर कितनी पावर रह गई, 4। क्यों? क्योंकि 5 में से एक कम हो गई तो कितनी बचेगी भाई, बच्चा बच्चा जानता है 5 में से एक कम हो जाता है तो कितना बचता है, 4। ठीक है, अब जरा लास्ट देखो। देखो लास्ट वाले में उन्होंने खुद फंक्शन मान रखा है fx, लास्ट वाले में उन्होंने खुद से मान रखा है ना फंक्शन fx। ध्यान रखना, जब फंक्शन मानते हैं ना वो, तो डेरिवेटिव दिखाने का तरीका ये नहीं होता। बोर्ड पे देखो, तब तुम डेरिवेटिव ऐसे नहीं दिखाओगे। जब भी वो फंक्शन fx मानेंगे ना, तब तुम डेरिवेटिव ऐसे नहीं दिखाओगे। तब डेरिवेटिव दिखाने का एक छोटा सा तरीका होता है। देखो, अब तुम डेरिवेटिव करने वाले हो ना, लाइन तो वही लिखनी है, लाइन तो वही लिखनी है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। अब देखो क्या करोगे, एफ एक्स का कर दोगे एफ डैश एक्स, ऊपर मैंने क्या लगा दिया, छोटा सा डैश लगा दिया। डैश का मतलब डेरिवेटिव, डैश का मतलब डेरिवेटिव। तो जब भी क्वेश्चन हमें फंक्शन देता है ना, तो फंक्शन के डेरिवेटिव को लिख कर नहीं दिखाते, फंक्शन के ऊपर क्या लगा देते हैं, छोटा सा डैश लगा देते हैं। तो तुमने ऊपर छोटा सा क्या लगा दिया, डैश। ठीक है, तो क्या लिखा है, एफ डैश एक्स। अब डेरिवेटिव करते हैं, बोर्ड पे देखो। इधर मैंने बताया था पावर आगे आ जाती है, बताओ 15 आगे आ गई, ऊपर पावर कितनी रह गई, 14। 15 जो पावर थी वो आगे आ गई, ऊपर पावर कितनी रह गई, 14। अब आगे देखो, 9 पावर है ना, 9 आगे आ गई, ऊपर पावर कितनी रह जाएगी, एक कम ना, 8 रह जाएगी, एक कम रह जाएगी ना। फटाफट से समझने के लिए तीनों पार्ट नोट कर लो जो बोर्ड पर मैंने तुम लोगों को समझाए वीडियो पॉज करके। इन तीनों पार्ट्स को फटाफट से नोट कर लो, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 डालकर, उससे तुम्हें बेसिक पता चलेगा। ठीक है, अब देखो चेन रूल स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें कुछ फॉर्मूले लिखवाऊंगा, वो फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं। ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन के अंदर भी बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री तो खैर है ही है, लेकिन डिफरेंशिएशन के खुद के भी फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो एक पेज बना देना फॉर्मूले, और कम से कम 3 पेजेस छोड़ देना। अगर तुम लोगों के रजिस्टर छोटा है तो 5 पेजेस छोड़ देना, और अगर रजिस्टर का पेज A4 साइज है तो 3 पेजेस काफी है ना। तो 3 पेजेस छोड़ देना, उससे क्या होता है, सारे फॉर्मूले एक साथ लिख सकते हो तुम। जब 5.5 के अंदर आएंगे तो हाथों हाथ में इसी पेज पर लिखवा दूंगा, जब 5.6 में फॉर्मूले आएंगे तब भी मैं हाथों हाथ इसी पेज पर लिखवा दूंगा, जब 5.3 में फॉर्मूले आएंगे तब भी लिखवा दूंगा, है ना। तो साथ साथ लिख लोगे ना, तो इकट्ठे हो जाते हैं फिर, एक साथ इकट्ठे लिखोगे तो रिविजन करने में आसानी रहती है। अब फटाफट से कुछ फॉर्मूले नोट करो। हाँ, फॉर्मूले का हेडिंग बना देना, हेडिंग से क्या होता है, आसान रहता है काम। नंबर 1 हेडिंग लिखो, लिखो 6 रेशियो डेरिवेटिव्स, 6 रेशियो डेरिवेटिव्स, समझ गए होंगे, 6 रेशियो बोल रहा हूं। क्या आने वाली है भाई, डरो, क्या आने वाली है, ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ग्रुप में तो वही आती है। 6 रेशियो के डेरिवेटिव लिखो। वैसे तो 6 रेशियो के डेरिवेटिव 11th क्लास के अंदर भी है, लेकिन शायद ही तुम्हें याद हो, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो पढ़ा ही रहूं, है ना। लिखने सभी को है, एक एक के रजिस्टर में चेक कर लूंगा। लिखो पहला, देखो कैसे लिखना है, बोर्ड पे देखो, डी अपोन में dx, और किसका डेरिवेटिव लिखोगे, साइन एक्स का। फिर देखो डी अपोन में dx, फिर किसका डेरिवेटिव लिखोगे, कॉस एक्स का। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, और कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। ध्यान रखना है, एस के साथ क्या आता है, माइनस, एस के साथ तुम्हें क्या लगाना है, माइनस। और लिखो बाकी के,
डी अपॉन में डी एक्स टेन एक्स और डी अपॉन में डी एक्स कॉट एक्स। हाँ टेन एक्स का लिखो, इसका होता है सेक स्क्वायर एक्स और इसका होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। किस में माइनस आ रहा है ध्यान रखना, कभी भूल जाओ। बाकी के दो और लिखो, एक काम करता हूं रब कर देता हूं, करना ही पड़ेगा नहीं तो लिखूंगा कहां पे अपने ऊपर। अब लिखो ई, अब बचा है कोसेक एक्स का और बचा है सेक एक्स का। कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स और सेक का होता है सेक एक्स टेन एक्स। फटाफट से नोट करो। देखो फिलहाल के लिए ये छह रेशियो के डेरिवेटिव काफी हैं इस नोट को स्टार्ट करने के लिए। बाकी इस नोट के बीच बीच में अगर कहीं पे फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी तो तुम इस पेज पर वापस आ जाना जहां पर तुमने ये फॉर्मूले लिखे हैं, ठीक है, और वहीं पर हेडिंग डालकर नया फॉर्मूला लिख लेना। उससे क्या होगा, तुम्हें सारा फॉर्मूला एक ही पेज पर मिल जाएगा और जब पूरा चैप्टर हो जाएगा तो फॉर्मूले की प्रैक्टिस भी कर सकते हो तुम अलग से। 12th क्लास में इतना क्वेश्चन जरूरी नहीं है जितना कि फॉर्मूला जरूरी है, खास करके मैथ्स के अंदर दुनिया भर का फॉर्मूला है। तो खूब कोशिश करो कि फॉर्मूले की खूब प्रैक्टिस करो, कम से कम लिख कर नहीं तो रोज एक बार पढ़ लिया करो। इसलिए मैं सारे फॉर्मूले एक ही पेज पर लिखवाता हूं ताकि तुम्हें रिवीजन करने का रोज मौका मिल जाए। तो देखो फिलहाल ये छह फॉर्मूले काफी है मेरे हिसाब से, लेकिन हाँ अगला फॉर्मूला तो तुम्हें लिखना ही पड़ेगा, वो है हमारा चेन रूल। आखिर वो कैसा रूल है देखो, चेन रूल, अब मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूं, चेन रूल का कोई फॉर्मूला नहीं है, चेन रूल का कोई फॉर्मूला नहीं है कि लिखकर याद कर लोगे, यूज करके याद कर लोगे, ठीक है। चेन रूल क्या है, बच्चों को दिक्कत होती है चेन रूल लगाने में, उन्हें चेन रूल समझ में ही नहीं आता, वो पूरी क्लास पढ़ लेते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता चेन रूल है क्या। आ जाता है डिफ्रेंसिएशन भी उन्हें जैसे तैसे, चेन रूल का नहीं पता चल पाता उन्हें। तो चेन रूल क्या है, मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पर कुछ स्टेप्स को फॉलो करके 3-4 स्टेप के अंदर चेन रूल कन्वर्ट कर रखा है और बहुत ही आसान स्टेप है। उन स्टेप को वैसे ही याद रखना है, 3 या 4 स्टेप लिखवाऊंगा और वो तीनों चारों स्टेप तुम्हें क्या करने हैं, याद रखने। बहुत ही सिंपल से स्टेप है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। नंबर 2 डालो हेडिंग, है ना। नंबर 1 में मैंने क्या लिखवाया था, 6 रेशियो डेरिवेटिव, है ना, फॉर्मूले वाला पेज चल रहा है, फॉर्मूले वाले पेज पर ही नंबर 1 में तो तुमने लिखा 6, है ना, रेशियो डेरिवेटिव। अब नंबर 2 में लिखना चेन रूल। देखो चेन रूल के अंदर स्टेप लिखने, स्टेप डालना मत, ABC करके डालो। देखो ए के अंदर तुम्हें देखनी होती है सबसे पहले पावर, तुम्हें सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करना है। ध्यान से सुनो मेरी बात को, तुम्हें सबसे पहले किस चीज का डेरिवेटिव करना है, पावर का। पावर समझते हो ना, जैसे x की पावर 5, sin की पावर 10, cot की पावर 10, है ना, log की पावर 5, sin की पावर 5, है ना, cos की पावर 3, किसी की भी पावर सबसे पहले क्या देखेंगे, ये मत सोचो कैसे लगेगा, जब मैं भी करवाऊंगा तब समझ में आ जाएगा, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, पावर। सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, पावर को। अगला देखो, पावर के बाद तुम्हें यूज करना है ब्रैकेट, पावर के बाद तुम्हें यूज करना क्या है, ब्रैकेट। सबसे पहले पावर और फिर करना है ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट के बाद लिखो सी। हाँ ब्रैकेट के आगे एरो बनाकर डेरिवेटिव लिखने की जरूरत नहीं है ना, बस पावर के आगे लिख देना डेरिवेटिव, बाकी ध्यान रखो, है ना। सबसे पहले पावर याद होगी बात, फिर क्या करना है ब्रैकेट, फिर क्या करना है तुम्हें ब्रैकेट। अब ध्यान से देखो, अब जब ब्रैकेट हो जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर अगर तुम्हें कोई ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू मिलती है, ध्यान से देखो,
अगर तुम्हें कोई ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू मिलती है तो ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू का करना है, क्या करना है, डेरिवेटिव। अगर ब्रैकेट के अंदर तुम्हें अभी ये मत सोचो मैं क्या बोल रहा हूं, अभी ध्यान से सुनो बस। सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करते हैं, फिर ब्रैकेट का करते हैं, फिर उसके अंदर अगर ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री का करते हैं, लोगैरिथम है तो लोगैरिथम का करते हैं, ठीक है, या फिर कोई वैल्यू है तो उस वैल्यू का करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, लोगैरिथम या फिर कोई वैल्यू, ठीक है। उसके बाद जाके लास्ट स्टेप, उसके बाद जाके उसके एंगल का डेरिवेटिव करते हैं, उसके बाद जाकर उसके एंगल का डेरिवेटिव करते हैं। समझ में आई बात? चार स्टेप याद रहेंगे ना, बहुत सिंपल है। देखो बीच में जो मैंने स्टेप लिखवाया ना, ब्रैकेट ब्रैकेट, ये यूजलेस स्टेप है। तुम सोच रहे होंगे लिखवाया क्यों है, मैं कभी भी कोई सी भी यूजलेस चीज कराता नहीं हूं, मेरी आदत है। कोई सा भी क्वेश्चन चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट हो, अगर वो एग्जाम में नहीं आता है तो मैं उसे नहीं कराऊंगा, चाहे वो कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। लेकिन फिर मैंने ये ब्रैकेट क्यों लिखवा दिया, कुछ तो बात होगी। ध्यान रखना, ब्रैकेट इसलिए लिखवाया है, इसकी वजह से क्वेश्चन सही हो जाते हैं। अगर तुम चेन रूल के स्टेप में ब्रैकेट को लिखोगे ना और दिमाग में दोहराओगे कि ब्रैकेट भी था ब्रैकेट भी था, तो तुम्हारे क्वेश्चंस सही हो जाएंगे। बाकी इसका यूज कुछ नहीं है, यूज कुछ नहीं है। अब देखते हैं कैसे है। ध्यान रिपीट करो मेरे साथ, सबसे पहले क्या देखनी है, पावर, फिर क्या देखना है, ब्रैकेट, फिर ट्रिग्नोमेट्री और उसके बाद उसका एंगल। अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगे तो फिर भी लाइक कर दो भाई यार, एक लाइक करने में क्या जा?